कार्यक्रम हुआ आज, उसी कड़ी पे आप सब मध्य प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, अपनी कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में क्या करेगी, इन सब ये सब विचार आपके बीच में रखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपना पत्रकार वार्ता जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष महोदय आज आपके बीच में पिछले 20 दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में इनकी यात्रा निकल रही है। आज उसी संबंध में कल इनकी मझौली में उमरिया में मैं बताना चाहूंगा कि उमरिया में हमारे कुछ भाई धरना पे बैठे हैं, पिछले 4 दिन से बैठे हैं, प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहां जाके नहीं मिल रहा है। कल कलेक्टर साहब से भी हमने बात की और सूचना की कॉपी भी दी कि वहां एसडीएम मझौली को सूचना दिया गया है, लेकिन जनता के हितों के लिए वहां के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जाके जांच परख नहीं कर रहा है। कानून बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी लाए, इसमें कहा गया है कांग्रेस पार्टी लाया, इसमें कहा गया है कि जो वन भूमि है वो गैर वन के लिए एरियो के रूप में नहीं दी जा रही, दी जा रही तो जमीन दी जा रही, पैसा दिया जाएगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया जाएगा। अभी क्या हुआ है इसके सेशन में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में ये बिल को तोड़ने के लिए को दर्ज करने के लिए बिल अभी अपना प्रस्ताव आया, बिना बहस कराए हुए और चर्चा करा दिया और अपने लोगों को अदानी को अंबानी के लोगों देने के लिए उन्होंने पूर्व मोड़ लिया। तो एक इंदिरा गांधी आम लेती थी तो इतना काम किया अपने पर्यावरण के लिए, कहीं कोई विषय पर काम नहीं करेगा। हमारी कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा वन के लिए पर्यावरण के लिए रहती रही है, वो अधिनियम जो भी लाएंगे कांग्रेस पार्टी लाएंगे। नगरी में हम खड़े हैं, आदरणीय दाऊ साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने आदिवासी भाइयों के हितों के लिए तेंदुपत्ता और वनोपज समितियों में आरक्षण की व्यवस्था दी थी कि आदिवासी भाई आदिवासी क्षेत्रों में समितियों का अध्यक्ष होता था। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितने भी जनहितैषी कानून कांग्रेस ने आदिवासी भाई और उन गैर आदिवासी भाइयों के लिए लाया था जिनकी जीविका वनों पर आश्रित थी, उसे समाप्त कर दिया है। इस बात को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने इस यात्रा को छिंदवाड़ा से 5 सितंबर को रवाना किया है और ये महाकौशल के 8 जिले, शहडोल के 3 जिले और रीवा संभाग के 4 जिले होते हुए भगवान राम की नगरी चित्रकूट में 19 तारीख को समापन होगा।